सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनल गाइज एमबीए सीईटी की फर्स्ट डे की जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। जिनके एग्जामिनेशन 10th एंड 11th को है उन्हें कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें आज हुई, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो जो है वह एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो कि आज मुझे पता चली। तो सबसे पहले एंड सबसे अच्छी बात कि जो पेपर है वो सेक्शन वाइज आया है, तो आपका भी पेपर सेक्शन वाइज ही आएगा, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा गाइज काफ़ी लोगों का पूछना था कि क्या हम बीच में सेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं, तो जी हाँ आप चेंज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। जो आपको सॉल्व करना है वो आप सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक राइट हैंड साइड पे वहाँ पे ऑप्शन आता है ड्रॉप डाउन का, ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला, तो वहाँ से आप जो है वो चेंज कर सकते हो। इसलिए इसके अलावा वहाँ पे सबमिट का भी बटन नहीं है, तो गलती सबमिट बटन पे क्लिक हो गया तो वो सारी चीज़ें सीईटी ने अब हटा दी है। आपका जो पेपर है वो ऑटोमेटिक जो है वो सबमिट होगा। किसी का पेपर जल्दी हो जाएगा तो उसे वहाँ पे जो है वो बैठना पड़ेगा टाइम कंप्लीट होने तक, तो ये भी एक अच्छी बात है ताकि इससे कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, गलती से बटन वगैरह क्लिक हो गई इसकी। इसके अलावा मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही कहना था कि पेपर मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल में जो है वो थे। कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिफ़िकल्ट भी थे बट मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट में जो है वो थे। इसके अलावा गाइज इतना लेंदी जो पेपर है वो नहीं लगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। कुछ चीज़ें मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे ज़्यादा टाइम जो है वो जा रहा था, बट अगर सपोज़ वो क्वेश्चंस आप स्किप करते हो तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए, तो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा गाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो डूएबल थे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप ईजिली जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओगे एंड एक्चुअल के जो अच्छे अच्छे मार्क्स है वो निकाल लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि गैस मारना पड़ेगा, तो वहाँ पर आंसर्स आपके जो है वो निकल जाएंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे। इसके अलावा सबसे अच्छी बात कोई भी जो टेक्निकल इश्यूज़ है वो अभी तक तो मुझे सुनने में नहीं आए, बिकॉज लास्ट ईयर में बहुत टेक्निकल इश्यूज़ थे, तो टेक्निकल इश्यूज़ नहीं है जो कि अच्छी बात है। तो आपको घबराना नहीं पड़ेगा कि यार कंप्यूटर अभी बंद पड़े ऐसा है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हुई है। पेपर इतना टफ नहीं है, बस यही है कि 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मिनट का टाइम है, तो टाइम जो है वो कम पड़ेगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। तो जो अपने इजी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेगा उन्हें ज़्यादा मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। सपोज अगर आप 100 मिनट्स में मैक्सिमम जितने इजी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हो, तो बचे हुए टाइम में जो टफ क्वेश्चन है वहाँ पर आप गैस भी कर सकते हो एंड जो एलिमिनेशन मेथड, जो तुक्के मारने की चीज़ें मैंने आपको बताई है वो यूज़ करके आप अपना जो स्कोर है वो ज़रूर अच्छा कर सकते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बोला कि अच्छे अच्छे इजी क्वेश्चंस है, तो उन इजी क्वेश्चंस को आप जो है वो ढूंढ सकते हो एंड पहले सॉल्व कर सकते हो। कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बोला कि मेन हमारा फोकस उन पे रहना चाहिए जो चीज़ें हमें आती है, ना कि उन पे जो हमें नहीं आती है, बिकॉज उससे टाइम वेस्ट भी होगा एंड आपको जो मार्क्स मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेंगे। तो जितनी आपकी प्रिपरेशन हुई होगी, जो टॉपिक्स आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे, तो ट्राई करो वो क्वेश्चंस पहले जो है वो सॉल्व कर लो एंड बाकी आप वहाँ पे सेक्शन वाइज है तो फिर वहाँ पे ढूंढ के जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए तो उसे वहाँ पे गेस करो या फिर जो भी आपके मेथड्स है वो लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो रह सकता है। इसके अलावा गाइज 10th एंड 11th को जो उनकी एग्ज़ाम है उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो अभी जिनका एग्ज़ाम 10th को होगा तो अपने टॉपिक्स जो है वो जितने भी पढ़े होंगे वो रिवाइज़ करना शुरू कर दो, बिकॉज अभी अगर आप नए टॉपिक सीखोगे तो फिर पुराने जो है वो भूल जाओगे या फिर वो रिवाइज़ नहीं करोगे तो जल्दी याद नहीं रहेंगे। साथ ही में हमने काफ़ी शॉर्टकट्स के वीडियोज़ भी डाले थे, तो वो भी एक बार जो है वो रिवाइज़ कर लो। जैसे अभी हमने जो 8 घंटे का वो लाइव लिया था तो उसमें काफ़ी सारे शॉर्टकट्स थे, जैसे वो ट्रायंगल मेथड, वो सारी चीज़ें, तो वो एक बार याद कर लो, उससे डायरेक्ट आपके आंसर्स जो है वो निकल जाएंगे एंड आपका टाइम भी जो है वो वेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा गाइस सॉल्व विद स्ट्रेटजी इसलिए लिखा है बिकॉज सेक्शन वाइज अब पेपर है, तो अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो वहाँ पर आप एक्स्ट्रा 10 मिनट्स जो है वो दे सकते हो या फिर थोड़े 10 मिनट्स वहाँ पर जो है वो कम निकाल के अपना पेपर जो है वो जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी आप पहले से जो है वो बना के चलो एंड देखो कि कहाँ पर आपको कितने मिनट्स देना है। सपोज़ अगर आपका कोई भी स्ट्रेटजी रहता है कि आपको एक सेक्शन में 50 मिनट ही देना है या फिर 40 मिनट ही देना है, तो अकॉर्डिंगली आप पहले से ही जो है वो प्लान कर लो, बिकॉज अब पता चल चुका है सेक्शन वाइज है। जो वही 9 तारीख के स्टूडेंट्स को पता नहीं था तो उन्होंने मतलब इतना नहीं सोचा होगा, बट आपके पास टाइम है तो आप सोच सकते हो। बाकी और कुछ मैं ज्ञान देने की कोशिश आपको नहीं करूँगा, बिकॉज इतने देर से आप जो है वो प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता है कि कौन सी चीज़ आपको आती है कौन सी नहीं। बट एक चीज़ है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही छोड़ के मत आना, तुक्के तो भी मार के आना एंड अभी सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो है वो तुक्के मारने वाले वीडियोज़ पर ही आ रहे, तो वो आप देख लेना अगर नहीं देखा होगा तो, बिकॉज उससे हो सकता है कि आपको थोड़े और जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो मिले। बाकी इसके अलावा ओवरऑल जो पेपर है वो अच्छा ही जा रहा है एंड अगर आप और भी वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे तो सब बता रहे कि यहाँ से इतने क्वेश्चंस आए वहाँ से उतने आए। बट देखो अभी सेकेंड डे एंड थर्ड डे पे जब एग्जामिनेशंस होगी तो हो सकता है जो सेकेंड डे होता है वहाँ पे थोड़े जो टफनेस है वो बढ़ जाता है, ऐसे मैक्सिमम टाइम जो है वो सुनने में आता है या फिर एक ही जो सेक्शन है जहाँ एक ही जो टॉपिक है वो जो टफ रहता है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि हमें डे टू में मतलब सीईटी में अक्सर देखने को मिलता है। तो अगर डे टू भी डे वन जैसे रहा तो बहुत बढ़िया, बट यहाँ पे थोड़ी अगर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती है तो ऐसा आपको जो है मतलब
हमेशा होता है ऐसा, तो अगर ऐसा होता है तो ज़्यादा घबराना मत, बिकॉज़ वहाँ पे फिर नॉर्मलाइजेशन वो सारी जो चीज़ें वो भी होती है। बस ध्यान रखो, ट्राई करो, जितने इजी क्वेश्चंस हैं उतने पूरे सॉल्व करो, एंड जितने सॉल्व करो उतने राइट हो, ऐसा जो है वो घर से मतलब सोच के चलो तक, बिकॉज जहाँ पे टाइम दे रहे हो वहाँ पे अगर सही आंसर नहीं निकल रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। उससे अच्छा गेस किया होता तो ज़्यादा बेटर होता, टाइम तो बचता, ठीक है। तो ये यही इन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान रखो, बाकी सेंटर पे जल्दी पहुंच जाना। इसके अलावा आप पेपर जो है वो अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। इसके अलावा गाइस एडमिशन प्रोसेस के ऊपर डिटेल में सारी चीज़ें आएगी, ठीक है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा मैं बताऊँगा, राइट फ्रॉम कैप राउंड से लेके तो एडमिशन लेने तक, कैप राउंड 3 तक, उसके बाद इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, वो सारी चीज़ें भी आएगी, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, बस ट्राई करो, अच्छा स्कोर करो, बाकी एडमिशन करवाना, कौन से कॉलेज अच्छे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।